या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तशै 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 नमो नमः। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और इसके अंतर्गत ही हम चैत्र नवरात्र पर छठी दुर्गा मां कात्यायनी का पूजन करेंगे। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं और उनका स्वरूप उस अधेड़ महिला की तरह है या पुरुष की तरह है जो परिवार में रहकर अपनी पीढ़ी का भविष्य संवार रहे हैं। महर्षि कत के गोत्र में उत्पन्न होने और महर्षि कात्यायन की पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम मिला। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां आदिशक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी के ध्यान, कथा, पूजा विधि, मंत्र, प्रिय फूल, पुष्प, भोग और उपायों के बारे में। तत् नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था और इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन मां पराम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। मां पराम्बा की उपासना करते हुए उन्हें बहुत वर्षों तक उन्होंने बड़ी घोर कर तपस्या की। मां भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में मां का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति का विधिवत पूजन किया, आयोजन किया और शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तीन दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की और दशमी को महिषासुर का वध किया। और महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में मां दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी कथा ऐसी भी आती है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया और महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस देवी की पूजा की, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाई। जो भी हो, माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती है और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की और आज भी अच्छे और मन भावन पति की इच्छा से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप परम दिव्य और सोने के समान चमकीला है। चतुर्भुजी देवी हैं और इनके ऊपर वाले बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, नीचे बाएं हाथ में तलवार धारण की हुई है। इनके ऊपर वाले दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है जो भक्तों को वरदान देती हैं। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित देवी पीले वस्त्रों में सिंह पर विराजमान है और दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। देवी कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, तो बृहस्पति ग्रह का संबंध आपकी कुंडली के नवम और द्वादश घर से होता है। अतः देवी कात्यायनी का संबंध मनुष्य के धर्म, भाग्य, ईष्ट, हानि, व्यय और मोक्ष से होता है। वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार इनकी दिशा उत्तर पूर्व है, अतः निवास में बने वो स्थान जहाँ पर देवालय हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, बोरवेल हो, ये सभी जगह पर माँ का निवास माना गया है। देवी कात्यायनी की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है जिनकी आजीविका का संबंध अध्ययन हो, लिखा पढ़ी हो, लेखापाल हो या कर विभाग जो इनकम टैक्स आदि होते हैं उनसे होता है। इनकी साधना से दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। विवाह अगर हो चुका है उसके बाद आने वाली बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है। इनकी पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संचार होता है।
परिपूर्ण आत्मदान करने वाले भक्त को सहज ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं और बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा है ही नहीं। इनकी उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हम सभी को चाहिए कि अति दयालु माँ के शरणागत होकर हम उनकी पूजा और उपासना करें। माँ की दिशा उत्तर पूर्व है और इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय गोधूली बेला है। इनकी पूजा पीले पुष्पों से करनी चाहिए। बेसन के हलवे का भोग लगा सकते हैं। श्रृंगार में इनको हल्दी का उपटन चढ़ाना चाहिए। हल्दी अर्पित करना श्रेष्ठ रहता है। आज हम बात करेंगे हल्दी के गांठ के उपायों की। तो क्या करना है, सबसे पहले जहां पर आपने स्थापना की है वहां आप जाकर के पूजन कर सकते हैं या फिर घर में पूर्व दिशा में पूर्व मुखी होकर के पीले आसन पर बैठकर पीले ही वस्त्र पहनकर पीले ही वस्त्र पर देवी दुर्गा या देवी कात्यायनी का चित्र या माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर दश उपचार पूजन करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक करें, गूगल से धूप करें, सूरजमुखी के पुष्प हैं तो वो चढ़ाइए, गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं, कोई भी सुगंधित पीले पुष्प आपके पास हो आप वो अर्पित कर सकते हैं, इत्र चढ़ाएं। और इस सभी उपायों से अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध में बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, खटास आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। इस दिन माँ को आपको केसर से तिलक करना चाहिए और कई जगह पर गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है। वैसे माँ का प्रिय भोग शहद है। मिठाई इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले आपको शहद युक्त पान में शहद डाल करके आपको माँ को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के तौर पर आपको लेना चाहिए। फल और मिठाई के साथ मधु युक्त पान जरूर अर्पित करें। एक कटोरी में थोड़ी पीली सरसों रख लीजिए और हल्दी की 3 या 5 गांठ रख लीजिए। देखिए दोस्तों, हल्दी की गांठ धन हो, आर्थिक स्थिति हो, सभी को मजबूत करती है। शरीर में अगर गुरु ग्रह की वजह से मोटापा आ रहा है, विवाह में समस्याएं हद से ज़्यादा हो रही है, विवाह ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के 2/3 भाग बिताता है, इस प्रकार एक ऐसे साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है जो समझदार हो, आपकी इज्जत करता हो, आपसे प्रेम करता हो, आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखता हो और दयालु हो। तो अगर आपके पति या पत्नी आपको तिरस्कार पूर्ण तरीके से देखते हैं, आपसे कलेश करते हैं, मारपीट करते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, अन्य पुरुषों के साथ आप स्त्री संबंध बनाती है, तो एक खास मंत्र देती हूँ जो आपके जीवन से बाधाओं को दूर करेगा, आपको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो माता के सामने आप अपनी मनोकामना के अनुसार हल्दी की 3 या 5 गांठ रख लीजिए। इसके बाद माता को जल अर्पण करें। दुर्गा चालीसा का हो सके तो पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और फिर बाद में माँ की आरती करें घी के दिए से। हल्दी की माला हो तो हल्दी की माला से, चंदन की माला, और नहीं है कोई माला अभी मंत्रित आपके पास तो 108 चने की दाल से या 108 बार माँ के विशिष्ट मंत्रों को जपे और बोले, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवधातिनी। दोस्तों, जो व्यक्ति विवाह संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पति पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष मंत्र बताती हूँ। ये मंत्र आपको मुक्तिदाता बनकर बचाएगा। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। क्या बोलेंगे, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इसके बाद पूजा के बाद पीली सरसों घर के सभी सदस्यों के सिर से घुमाकर गेट के बाहर ले जाकर जला दीजिए और 3 हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। इसकी आप चाहें तो प्रतिदिन पूजा स्थल पर रख के प्रत्येक दिन पूजा कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, धन की प्राप्ति होती है और अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है
तो अटका हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा, तो जेब में थोड़े दिन के लिए आप इस हल्दी की गांठ को रखें और ओम कात्यायनी नमः सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते रहें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको आपका पैसा मिल जाएगा और हल्दी की गांठ पहनने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और मोटापा भी कमता है। अगर घर का कोई सदस्य आपके घर में बुरे सपनों से परेशान है तो आपने जो हल्दी की गांठ सिद्ध की है इसमें से एक हल्दी की गांठ पर मौली लपेट दीजिए और उस पर्सन के सिरहाने रख दीजिए। 2-3 दिन में ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाता है और बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए भी इस हल्दी का उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर की जो बाहरी दीवार है, अगर आपको लगता है किसी ने आपके घर को बांध दिया है, कुछ कर दिया है, नज़र बाधा कड़ी हो गई है, परेशानियों से घिर रखे हैं घर के सभी सदस्य, कौन से ग्रह दोष है कौन से वास्तु दोष है आप नहीं जानते, तो क्या करना है, ये हल्दी की गांठ ले लीजिए और इससे 3 रेखा आपके घर पे घर के मुख्य द्वार पर आड़ी करके खींच दीजिए दाहिने साइड में। आप देखेंगे आपके घर में अगर अड़ोस पड़ोस से भी कोई कुछ करता है या कोई बाहर वाला कुछ करने की क्रिया करने की कोशिश करता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा ही नहीं। आप इस उपाय को दोबारा से किसी भी गुरुवार के दिन रिपीट कर सकते हैं और गुरु ग्रह को मजबूत करता है हल्दी का उपाय। तो आप पीले कपड़े में हल्दी की गांठ लेकर बाजू पे बांध के रखिए, इससे भी आपके घर पे या आपके ऊपर कोई बुरी क्रियाएँ कर रहा होगा तो उससे आपका बचाव होगा और साथ ही साथ देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों जल्दी विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। क्या कर सकते हैं, अलग से आप पूजा उजा नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, माँ के सामने घी का दिया जलाइए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और 3 कच्ची हल्दी की गांठ चढ़ानी है और फिर कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। अब ये मंत्र का जाप करने के बाद हल्दी के 3 गांठों को पीले कपड़े में बांध कर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और जब आपका कार्य हो जाए तो आप इसको विसर्जित कर सकती हैं। आज के दिन आप माँ कात्यायनी को मधु, मैंने शहद पहले भी बताया, चांदी या मिट्टी के बर्तन में अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ती है और कोई भी आपकी लोग बात मानना शुरू कर देते हैं। बाद में उस शहद का सेवन आप प्रसाद के तौर पे कर सकते हैं और माँ कात्यायनी का चित्र या यंत्र है आपके पास तो आज के दिन उसका आप लाल पुष्प से भी पूजन कर सकते हैं। यदि चित्र या यंत्र नहीं मिलता है तो माँ दुर्गा का चित्र सामने रख करके आप 51 माला का जाप आज कीजिए। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो 51 माला क्या बोलना है, ओम रिम नमः चंद्रहास उज्ज्वल कराश चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम तद्या देवी दानव खादिनी। यानी अगर नहीं बोल सकते आप संस्कृत में तो ऐसे बोले, चंद्रहास की तरह दैदीप्यमान शार्दुल अर्थात शेर पर सवाल, चंद्रहास उज्ज्वल करा चंद्रहास की तरह दैदीप्यमान शार्दुल वरवाहना, शार्दुल यानी शेर, शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव खादिनी, और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें, चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव खादिनी। दोस्तों आप देखेंगे आप पीली गांठ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा। आप चाहें तो गुरुवार के दिन या आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके हल्दी की गांठ लेकर ओम रत्ते काम देवाय नमः इस मंत्र का भी जप करके इसको आप 1 माला का जप कर लीजिए और इसको अपने बिस्तर के नीचे रख दीजिए, आप दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आपने नया घर लिया है तो घर में खुशहाल जीवन के लिए आप चांदी का 1 नाग नागिन का जोड़ा ले लीजिए, 5 सुपारी ले लीजिए और ये जो 5 आपने हल्दी की गांठ रखी है पूजा करने से पहले आप 7 हल्दी की गांठ रख लीजिए और बाद में सभी चीज़ों को एक पानी के लोटे में आप रख दीजिए और घर की पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट कॉर्नर में आपको इसको रखना है और 1 कपड़े से आप इसको ढक दीजिए। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
दोस्तों जो पीली सरसों आपने रखी थी कटोरी में, वो सभी के सिर से वार कर आपको कपूर के साथ मुख्य द्वार के बाहर जला देना चाहिए। और अगर घर में आपके नकारात्मक ऊर्जाओं का जोर ज़्यादा है तो इस हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध कर आप तुलसी के पौधे पर लटका दीजिए, या पीला कपड़ा नहीं भी है तो ऐसे भी आप पीले धागे से बांध कर इसको आप तुलसी के पौधे में लटका सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर से सभी प्रकार के अनिष्ट अवश्य दूर होंगे। अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो देवी कात्यायनी पर हल्दी का उपटन आज के दिन चढ़ा करके 27 दिन तक आप आज से शुरू करके इस उपाय को कीजिए और प्रत्येक दिन आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर, आपके शरीर के सभी भागों में लगाइए। देखिए आपके शादी विवाह की समस्याएं दूर हो जाएगी। और शत्रुता अगर बहुत ज़्यादा है, एनिमीज आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो देवी कात्यायनी पर बेसन चढ़ा करके या बेसन का हलवा बना करके आप किसी ब्राह्मणी को खिलाइए। दोस्तों आपके जीवन में माँ कात्यायनी की पूजा से अर्थ की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलौकिक तेज और प्रभाव की प्राप्ति, रोग शोक संताप भय आदि से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो बोलिए कात्यायनी मैया की जय, दुर्गा माता के छठे स्वरूप की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। और अकेले नहीं सुनना है वीडियो, आपको अपनी फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। आप सभी को नवरात्र के छठे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काली, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा आप सभी के सभी कष्ट दूर करें, आपके जीवन में शुभता लेकर के आए, शांति लेकर के आए, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दाबुल सांचे दरबार की।